Prime Minister has just arrived. He's going to be there in a few minutes. But these are live images of Modi in Srinagar at this point. We know that there's a display, an exhibition of sorts that has been set up. It's usually the norm. The Prime Minister visits those exhibitions, these art fairs, interacting with some of those artists, and then we'll be moving towards Bakshi Stadium. It's a huge boost, certainly, to Jammu and Kashmir at this point. After 5 years of Article 370 abrogation, the Prime Minister's first visit. So we're looking at a fair of sorts, the kind of mobilization of crowds. It, in a way, also boosts business to the people around the area, especially of Kashmir, where even holding a public rally was a risk, a political rally or just a small event. A cricket match very recently turned fatal. So you know, in Kashmir, the situation for long hasn't been peaceful. To see a massive event where you're looking at lakhs of people gather, even if it is for the Prime Minister, one should laud the fact that the people, or at least the administration for the moment, have made people there feel safe and secure. And that's quite evident. Pooja Shali bringing us that sense from the ground. देख लीजिए ना, मोदी जी ने ऐसे ऐसे चीजें की हैं जो किसी ने आज तक नहीं की थी हमारे कश्मीर के लिए, और हमारे कश्मीर के ऊपर किसी ने आज तक ऐसे नजर नहीं डाला था. वो सोतेली माँ वाले हरकतें की थी जिसकी वजह से हमारा कश्मीर काफी पीछे था, बच्चों से लेके जवान तक, जवान से लेके बूढ़े तक. और इसलिए मुझे उनसे देखा है कश्मीर में डिसरप्शन, शटडाउन, हड़ताल. आपके बच्चे अगर स्कूल जा पाते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी में, आपको लगता है वो बहुत जरूरी है अब कश्मीर? बिल्कुल जरूरी है. देख लीजिए ना, 370 हटाने के बाद बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोदी जी ने ऐसी चीजें करी और ऐसी चीजें लाई जिसकी वजह से आज बच्चे हमेशा, कोई दिन ऐसा संडे के बगैर, कोई दिन ऐसा होली डे के बगैर, कोई दिन ऐसा नहीं है कि बच्चे घर पे बैठे और बच्चे सब कुछ भूल जाए. और इतनी डिप्रेशन में आ जाते थे बच्चे और बहुत ज्यादा परेशानियां होती. आई लव मोदी की जो टोपी पहनी है, ये पहले तो नहीं कोई पहन पाता था कश्मीर में. ये कॉन्फिडेंस है, ये उम्मीद है आगे कश्मीर की शांति? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है. देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि 93 मेरा बर्न है, तो मैंने ऐसा मतलब लाइफ में देखा है कि टेररिज्म, हाँ बिल्कुल, गन की मतलब जो गन की नोक पे लड़कियों की शादी करते थे, जमीन हटाते थे, लेते थे छीन के जॉब के लिए, बहुत सारी चीजें मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से. मुझे सब मतलब इसलिए मैं इनकी फैन हूँ. ऐसा किसी चीज में नहीं हुआ है जो इनके बच्चे, जब फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊं, जब स्कूल गए हैं बच्चे, तो ऐसे अब भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि बच्चों को बोलते हैं हमें तो आजादी चाहिए. अभी भी ये चीजें मौजूद है, ये नहीं कि खत्म हो. बच्चों को अभी भी वो ब्रेन वॉशिंग का अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये बच्चे जो आपके साथ बैठे हैं, ये बच्चे हमेशा खुश रहे और इनको वो कश्मीर देखने को मिले जो शायद आपको मुझे नहीं मिल पाया था. बिल्कुल, देख लीजिए ना, एक नौजवान जाता था, नौजवान जब घर से निकलता था तो ये होता था कि शाम को उसकी लाश आ जाती थी, वापस नहीं आता था, उसकी लाश आती थी. एक विधवा, एक माँ, एक बहन, एक बाप, उन पे क्या गुजरती. यहाँ पे जितने भी कब्रिस्तान है अगर देखेंगे ना आप, तो ये देखिए, आप खुद सुन रहे हैं कश्मीरी एक औरत से क्या कुछ देखा है उन्होंने, कितना अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, टेंशन था. और आज अगर कम से कम उम्मीद है, ये नहीं कहेंगे सब बदल गया है, लेकिन उम्मीद है कि कम से कम शायद जो लोग, जो कम्युनिटीज डर में थी, देखिए काफी लोग यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूंगी आपको, जो सबसे पहले वीवीआईपी नेता नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ये वो लोग हैं जिनके परिवार वालों को मार दिया गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, चाहे वो यहाँ पे सिविलियंस थे. इनको सबसे आगे इनवाइट करके बिठाया गया है, वो रिस्पेक्ट देना, वो इज्जत देना, और ये कहना हमें याद है कि आपके परिवार वालों ने क्या किया है हमारे लिए, इंडिया के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर की शांति के लिए. ये बहुत मैटर करता है, सबसे आगे उनको पोजीशन देना. और देखिए, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करता है. मैं सालों पहले आई हूँ, मैंने देखा है कश्मीर टेंशन में कितना रहा है, और ऐसा लगता था कि ये कभी नहीं बदलेगा. आज वो बदलते हुए दिन जो मैं देख रही हूँ, वो जरूरी है कि ये पहला स्टेप ले लिया गया है. अब 2047 का डॉक्यूमेंट जो प्रधानमंत्री देंगे वो देखना बाकी है. ओवर टू यू.
All right. Very emotional Pooja Shali there. Her ancestors came from Jammu and Kashmir. We know what has happened with the Kashmiri Pandits, literally chased away from their hometown, their home state. Many of them returning with faith that they are safe in their own homeland. And here you see huge numbers of people who have gathered at the Bakshi Stadium to take a listen at Prime Minister Modi 5 years after abrogation of Article 370. This certainly is a perception of safety. If you look at it very closely, the fact that huge people have gathered itself suggests that it's certainly boosting Jammu and Kashmir's security, safety, and its economy at this point.